हमने यहाँ पर आधा किलो केवड़िया ली है, उसको धो के हमने साफ कर रखा है। अब हम इसको ऊपर से जो काले होते हैं धब्बे, इनको हटाएंगे और इनको बारीक बारीक पीस में हम काटेंगे। केरियों को हमें छिलके सहित ही काटना है। हम यहाँ पे केरी का पानी, जिसको पना भी कहते हैं, वो हम बना रहे हैं। छिलके से काटने से पना गाढ़ा रहता है, आप छिलके नहीं उतारे, बारीक बारीक पीसेस हमको काटने हैं। इस प्रकार हमको पूरी केरियों के छिलके से छोटे छोटे पीस करने हैं। इस प्रकार हमने सभी केरियों के पीस काट रखे हैं। अब हम एक तपेली लेंगे। तपेली में हमको दो से ढाई ग्लास पानी डालना है। ढाई ग्लास पानी डाला है मैंने। फिर ये सभी हम केरी के गट्टे इसमें डालेंगे और इसको गैस पे बॉईल होने के लिए रखेंगे। केरी को बॉईल होने में बहुत कम समय लगता है। हमारी केरियां उबलती है जब तक हम पुदीना चूट कर हमने साफ कर लिया धोकर। 40 से 50 पत्तियां हम लेंगे और इसको मिक्सर में डालेंगे। मिक्सर में डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको मिक्सर में पीस लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम केरी को चेक करेंगे। अभी इसके छिलके थोड़े सॉफ्ट नहीं हुए हैं, 2-3 मिनट के लिए हम वापस इसको ढकेंगे। हमारे ये पूरी तरह से बॉईल हो चुके हैं टुकड़े। अब हम गैस बंद करेंगे, 10 मिनट के तक इसको ठंडा करेंगे। पानी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें एक बॉल शक्कर डालेंगे। शक्कर मसाला तो आप पानी बनने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी इसमें डलेगी शक्कर की, आधा किलो में ये प्याला भर के आप शक्कर डालेंगे। तो इसको शक्कर गूंदने तक आप खिलाएंगे। अब हम इसको पानी को पूरा फेंट लिया है हमने। अभी हमने जो पुदीने का पानी बनाया था वो इसमें डालेंगे। इसमें एक गिलास पानी और डालेंगे ना। अब हम इसको एक तपेली के ऊपर जाली रखे हैं, हम इसको छानेंगे। आप इसमें बारीक जाली का भी यूज करते हैं, कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। पना गर्मी में बहुत पिया जाता है, इससे लू से बचाव भी होती है और इसको आप 8-10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए अब हमारे इसमें छिलके छिलके रह गए हैं, इसको आप हटा देंगे। अभी जो हमारा पानी है इसमें हम मसाला डालेंगे। आधी काली मिर्च पीसी हुई, आधा चम्मच सफेद नमक, आधा चम्मच हमने डाला है काला नमक, 1 चम्मच हम भुना हुआ जीरा डालेंगे जो हमने पीस रखा है, ये इसमें डालेंगे और अब हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसमें पानी और ऐड करेंगे, 1 ग्लास 2 ग्लास हमने पानी डाला है। आप जितना पतला पीना चाहें आप पी सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको चखेंगे। थोड़ा सा काला नमक की और जरूरत है हमें, तो आधा चम्मच हम काला नमक और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मसाला हम सभी प्रकार का और डालेंगे। ये काली मिर्ची थोड़ी सी और डाली हमने,
सफेद नमक वो डाला हमने, मतलब डेढ़ डेढ़ चम्मच हमको नमक, काली मिर्च और जीरा चाहिए। ये फ्रिज में से निकाला हमने, ठंडा हो चुका है। अगर आप इसको पतला पीना चाहें तो चाय छन्नी से और छान सकते हैं। ये हमारा समर ड्रिंक तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।